56 57 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान या समाज के प्रत्येक तबके के हितों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना हो या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत के अंदर स्थापित करने का हो या फिर भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करके एक तरफ मोदी जी का वह रूप जो देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए मंगलकारी है, लोक कल्याणकारी है, ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, दूसरी तरफ दुश्मन के घर में तांडवकारी भी है। दुश्मन को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, वह कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने विगत 56-57 महीनों के दौरान, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो, चाहे वह पाक अधिकृत कश्मीर में उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का हो, या अभी हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकी कैंपों को नष्ट करने का हो, भारत के शौर्य और भारत के पराक्रम को देश ने भी देखा है और दुनिया ने भी देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दोनों रूप इस देश के सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। स्वाभाविक रूप से विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के, निवेश के ढेर सारी प्रोजेक्ट को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 8 मार्च का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ख़ास तौर पर अगर मैं गाज़ियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो मेरठ दिल्ली के बीच रैपिड रेल 30,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी रखेंगे। गाज़ियाबाद में मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री जी करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट हैं जिन्हें प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उनके आधारशिला या शुभारंभ होगा। कानपुर में लगभग 75,000 करोड़ रुपये के निजी क्षेत्र के निवेश के साथ ही आगरा कानपुर मेट्रो का आधारशिला और लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ, सेकेंड फेज का कार्य कंप्लीट हुआ है, उसमें मेट्रो का संचालन होगा। और भी अन्य तमाम प्रोजेक्ट हैं, एक पावर प्रोजेक्ट, पनकी पावर प्रोजेक्ट है, और भी प्रोजेक्ट हैं। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण और उस क्षेत्र के विकास को लेकर के एक बहुत बड़े योजना को, यानी 283 वर्ष के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का सुंदरीकरण का कार्य हो पा रहा है। गांधी जी ने 1916 में काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर के एक बात देखी थी, संकरी गली, गंदगी, इन सब को देख करके उन्होंने उस समय बड़ी तीखी टिप्पणी की थी। गांधी जी के नाम पर इस देश में बहुत राजनीति लोगों ने की,
लेकिन गांधी जी के वचनों को आत्मसात करने का प्रयास और उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। काशी में प्रधानमंत्री जी इस देश की आस्था को सर्वोच्च सम्मान देते हुए इस कार्य को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की दृष्टि से आज इन तीनों जगहों पर कार्यक्रमों की रूपरेखा, उसकी तैयारी और उसकी पूरी समीक्षा ये बैठक यहाँ पर मैंने की है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम ऐतिहासिक होंगे और 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, भारत दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभरेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घरेलू उड़ान सेवा के लिए एक नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, जिसकी शुरुआत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा देश में तमाम ऐसे कार्य किए गए हैं जिन्हें देश के लोग ही नहीं दुनिया में ही सराहा जा रहा है।